आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। 14 फरवरी को मतदान होना है। सियासी सुरमाओं ने जनता के बीच आना जाना शुरू कर दिया है। हर कोई अपनी जीत का दावा पेश कर रहा है। वहीं नैनीताल जिले के कालादूंगी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत चुनावी मैदान में हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने दावा किया है कि कालादूंगी विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है, यहां बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। प्रदेश में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं बंशीधर भगत को उन्हीं की पार्टी के नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने टक्कर दे दी है। बीजेपी से टिकट न मिलने पर पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया है। कालादूंगी में भारतीय जनता पार्टी का कालादूंगी विधानसभा गढ़ है, इसमें दूर तक भी दूसरा कोई घुसपैठ नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुल पार्टी है। कार्यकर्ताओं की टीम बूथ ही नहीं, पन्ना प्रमुख तक टीम बनी है, फिर मंडल है, जिले के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। हर एक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा होगा कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उससे कई आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी थे। तो इस बार धनौरी में जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। चुनाव के मद्देनजर देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हर गाड़ी को रोककर जांच की जा रही है। कुछ गाड़ियों में अवैध शराब पकड़ी भी जा रही है। लगातार उसी को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक चौक पर जांच जारी है, जिसमें से 10 से ज्यादा गाड़ियों की जांच आज की गई। वहीं पौड़ी में यमकेश्वर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक ऋतु खंडूड़ी ने कोटद्वार सीट से नामांकन दाखिल किया है। बीते 5 सालों में कई विकास कार्य किए गए हैं। इस पर पार्टी कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने निर्देश जारी किया है, जिसके तहत वो चुनावी मैदान में है। दरअसल भुवन चंद खंडूड़ी लंबे समय से क्षेत्र में आने की सोच रहे थे। ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि जल्द ही जनरल खंडूड़ी को गढ़वाल क्षेत्र में प्रचारक के रूप में उतारा जाएगा। वहीं भाजपा से टिकट के दावेदार धीरेन्द्र चौहान ने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे ने राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए, जिससे परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल में शौचालय और पेयजल टैंकों की साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इसी के साथ निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं संबंधित लोगों को निर्देशित करते हुए भी अधिकारी ने समस्त कक्षों का निरीक्षण किया। पार्टी को कहा था कि मेरी ये तैयारी है और मैं 22 में चुनाव लड़ूंगा, और मुझे कहा गया था कि आप पार्टी ज्वाइन करो और आप तैयारी करो। हमारी पूरी तैयारी हो गई और अब नामांकन करने वाले दोबारा वही नौबत आ गई कि अंतिम समय में कि नामांकन का समय 3 बजे और कोटद्वार की जो जनता है वो हमारे साथ है, वो छोड़ नहीं रही है। फिर वो कह रही है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोटद्वार की जनता के कहने पे लड़ रहा हूँ। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा तैयार रहता है, किसी भी समय कहीं भी उसको छोड़ दिया जाता है और कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो मैं पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। मेरा जो संगठन है कोटद्वार में वो पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है कि दोबारा से इस बार वहीं ज्वालापुर में प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में अब तेजी आ चुकी है। वह जनता के बीच उतरकर अपनी बात को रख रहे हैं। विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राठौर ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस मौके पर विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि हम जनता से किए वादों को पूरा करते आए हैं। पिछले 5 सालों में हमने 30 करोड़ से ज्यादा कामों की शुरुआत की है। इसी प्रकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 550 से ज्यादा योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। ये तो कुल मतदान का 90% है बीजेपी का, चाहे वो SC है, चाहे प्रजापति हैं, चाहे कश्यप हैं, चौहान हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी पर विश्वास करते हैं। और विधायक जी ने काफ़ी काम किए हैं, काम यहाँ दिख रहा है, खड़गे बनिया जी भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। अगर आप भी जिला 60 पार का नारा, 60 पार हमारी तो पार है ही,
बाकी प्रदेश की स्थिति अच्छी नजर आ रही है, जो समाचार पत्रों से पता लग रहा है, जो सर्वे से पता लग रहा है, अच्छी स्थिति है, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। और चलो रहता हूँ पूरी तरह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों पर विकल्प ही नहीं है। मतलब तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशी बदल दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी का लोग नाम सुन रहे हैं, जानता कोई नहीं क्षेत्र में किस समाज से वो क्या नहीं है। कालाडूंगी नगर में आम आदमी पार्टी से विधायक प्रत्याशी मंजू तिवारी के नेतृत्व कालाडूंगी नगर में आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित कर विधायक से खुशी जाहिर करते हुए आपकी जीत का संकल्प लिया। मंजू तिवारी ने कहा कि कार्यालय खुलने के साथ ही हमारी डोर टू डोर जाने की रणनीति भी अब शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज हमने पहले कटघरिया में कार्यालय खोला भगवान की पूजा करके गणेश जी की, फिर उसके बाद हमने यहाँ कालाडूंगी में कार्यालय खोल दिया है। हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मेरी मातृशक्ति। अब हम आगे डोर टू डोर जनता के बीच जाएंगे और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको निपटाने का मैं कोशिश करूंगी और उनकी बातों को सुनूंगी, उनकी परेशानी सुनूंगी। अब हमारी आज से वैकलियर के सोहलपुर में ग्राम समाज की अवैध भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए भाकियू अंबावत के नेतृत्व में ग्रामीण धरने पर बैठ गए और इसी के कारण ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस दौरान देवपाल ने कहा है कि सचिव किसान यूनियन वेदपाल ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता तो ग्रामवासी और यूनियन के पदाधिकारी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव से पहले अगर ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो वह चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं। चुनाव का बहिष्कार ये तो सरकार जबरदस्ती करवा रही है, नहीं तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे। हमारी ग्राम समाज की भूमि है जो सरकारी ज़मीन है वो 4.5 बीघे है, वो 258 और 252 दूसरे का है और 252 ग्राम समाज की ज़मीन है, 252 कागजों में भी है और 1990 में उस पर 3 बार मुकदमा चला है सर, वो जो सरकार ने ग्राम समाज को जिता दिया उसमें, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जब तक भूमि रहेगी ये ग्राम समाज की ही रहेगी। ये मामला देखे सर, ये चुनाव का जो बहिष्कार किया हुआ है ये कुछ अधिकारियों को दिखाने के लिए किया गया है। हमारी ज़मीन जो उसमें जिसमें कुआ भी है वो 200-250 साल पुरानी ज़मीन है, उसके विवाद में ये मामला है। उसमें हमारे खत्ते भी पड़े थे और जो है हमारा वर्तमान में कुआ भी है, उस कुएँ के आसपास जितनी जो बंजर भूमि थी वो थी 4.5 बीघे, लेकिन 4.5 बीघे ज़मीन वो 258 नंबर है उसमें और ये 252 में है, तो 258 वाले ने उसमें अपनी भेड़ मिला ली है और उसको हमने सभी अधिकारियों। वैकलियर में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भूरा ने डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों को विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहमतपुर क्षेत्र के जनसंपर्क कर उन्होंने वोट की अपील की है। असपा प्रत्याशी ने कहा कि अब की बार उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और पूरे उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता भाजपा और कांग्रेस पार्टी से परेशान हो चुकी है और अब की बार जनता आजाद समाज पार्टी को प्रदेश में लाना चाहती है। भरपूर समर्थन मिला पब्लिक का, क्या देखते हैं अब की बार? अब की बार जीत के आएंगे इंशाल्लाह, बदलाव देखते हैं, बदलाव देखते हैं, जनता बदलाव चाह रही, बदलाव होगा। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? जनता के बीच जाएंगे मुद्दों के मतलब शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा और जो पब्लिक की पीड़ा उसे लेकर जाएंगे। क्षेत्र में किस तरह की समस्या मिल रही है जनता के सुनने में आप? क्षेत्र में तो समस्या तरह तरह की समस्या आ रही, पब्लिक की हर तरह की समस्या रख रहे लोग बाग बहुत। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय आज ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। वही विधानसभा पिरान ग्वालियर से प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर मजबूत पार्टी विकल्प बनकर उतरी है, दिल्ली की तर्ज पर ही शिक्षा और स्वास्थ्य और किसान पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी गगन कंबोज हर वर्ग के मतदाताओं के दिमाग पर छा चुकी है। हर वर्ग के मतदाताओं ने गगन कंबोज को खुला समर्थन दिए जाने से जीत का सहरा बांधने की लगभग तय ही कर लिया है। आपको बता दें कि चारों तरफ सिर्फ गगन कंबोज की ऐतिहासिक जीत की चर्चाएं जोरों पर है। गगन कंबोज का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवाएं की है। वही गगन कंबोज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की। एक ऐसा शख्स काशीपुर में, एक ऐसा शख्स निकल के उभर के सामने आया जो कोरोना काल में लगातार लोगों की सेवा की। जब नेता लोग घरों में सो रहे थे, उस समय काशीपुर का लाल रोटों पे लोगों की मदद कर रहा था। हॉस्पिटल से लेकर के गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि उपलब्ध कराना उस शख्स का काम था। वो शख्स इस समय बसपा की टिकट पर काशीपुर विधानसभा में चुनाव मैदान में उतरा है। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। वो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी मुलाकात कराऊंगा गगन कंबोज से। हमारे साथ मौजूद है गगन कंबोज, जो बसपा की टिकट पर काशीपुर विधानसभा में चुनाव मैदान में उतरे हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। कंबोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए आप? ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे पहली प्रायोरिटी और सबसे पहला मुद्दा है स्वास्थ्य। इस दो साल के अंदर कोरोना काल में मैंने मरते हुए लोग देखे हैं। सिर्फ इन नकारा जो हमने विधायक बना के 20 साल से दे रखा है, उसकी वजह से उन्होंने स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं किया। कोई भी ऐसा परिवार, यहाँ जितने लोग खड़े, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने अपना कोई ना कोई नाक खोया है। वो इसलिए खोया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ही शून्य है। काशीपुर का सरकारी अस्पताल एक रेफर सेंटर है कि साहब, जिसके पास पैसा रहा उसने अपने का ले जाके दिल्ली इलाज करा लिया, और जिसके पास नहीं रहा उसने अपना घर मार लिया। अस्पतालों ने क्या हाल किया है सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य। हर एक परिवार की इस काशीपुर के अंदर, अगर वो यहाँ हैं और ये लोग मेरे पे भरोसा करके मेरे को भेजते हैं, तो एक एक परिवार की इलाज की जिम्मेदारी इस काशीपुर के बेटे की होगी। एक भी परिवार को मुंह उठाकर पीछे देखना नहीं पड़ेगा कि मेरे घर में कोई बीमार है तो मैं किधर देखूं। किसको 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 जिम्मेदार मानते हैं इसके पीछे? देखिए, इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है ना। 20 साल से विधायक है भाजपा का, कौन जिम्मेदार है? यही तो जिम्मेदार है भाई। जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन के विधानसभा भेज दिया, जिम्मेदारी किसकी है यार? जिम्मेदारी विधायक की तो है, और पार्टियां हैं, उनकी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही। अगर बहाना विधायक नहीं रहा तो क्या? अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में है तो उनका कोई फर्ज नहीं बनता, वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब उनका विधायक नहीं है तो वो कुछ नहीं करेंगे। विधायक है वो 5 साल बाद कहता कि साहब मेरी सरकार नहीं सुन रही है ना। यार सोचने वाली बात है कि एक विधायक की सरकार नहीं सुन रही है। ये तो वो विधायक जी पे मैं करता हूँ, विधायक के नाम पर एक कलंक है कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो विधायक के बिना मर्जी के पूरे विधानसभा में पत्ता हिल जाए। इस बार मुकाबला बड़ा होने की उम्मीद है काशीपुर में, क्योंकि कहने वाले कह रहे हैं, सूत्रों से कुछ खबरें भी मिल रही हैं, गगन कंबोज कमजोर प्रत्याशी है, कमजोर है, उधर धनबल वाले लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, धन बल में गगन कंबोज कमजोर हो सकता है इनसे, लेकिन ये युवा शक्ति और बुजुर्गों का और हर माँ बहन का जो आशीर्वाद है ना, ये इतनी बड़ी ताकत है इस गगन कंबोज की, आज यहाँ खड़ा है। ये ताकत है मेरी, उनके पास धनबल में मजबूत है, मुझे पता है। सारे अरबपति और उद्योगपति मेरे सामने लड़ रहे हैं, धनबल में मजबूत हैं। इन्हें धनबल का प्रयोग करना था 2 साल पहले। ऊपर वाले ने एक विपत्ति आई, उससे हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार उसकी उसमें आया। इन लोगों को उस समय अपना धनबल दिखाना था। ये प्रतिनिधि, ये सब लोग, जनता, काशीपुर की जनता अनाथ नहीं थी। एक प्रतिनिधि अगर इस क्षेत्र का है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। राजा का आज बेटा युवराज चुनाव लड़ रहा है, राजा की जिम्मेदारी होती है प्रजा की देखभाल करना। धनबल है उसके पास तो 2 साल पहले उसको लगाना था, जब अस्पतालों के बाहर माए चीखे मार मार के रोई थी, बेटा आंसू बहा रहा था कि मैं अपने बाप का इलाज करा लूं। तब ये राजा ने 20 साल से विधायक का बेटा पुत्र कहां थे? अच्छा गगन कंबोज जी, किससे मानते हैं अपना मुकाबला, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? देखिए, इनसे कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सारा यूथ एकजुट है, हर चौखट से प्यार है। 20 साल दे दिए हैं काशीपुर की जनता ने, क्या देखा है? विधायक जिताया, कोठी में घुस गया, निकल के नहीं आया है। ठीक है, ये कोठियों की और महलों की लड़ाई चल रही है, उद्योगपति चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि विधायक उन्हें ये उद्योगपति बना के भेजने हैं या कोठी का ऐसा विधायक बना के भेजना है तो 5 साल सीधा कोठी के अंदर घुस जाता, निकल के नहीं आता, या कोई ऐसा व्यक्ति चुन के भेजना है जो जाके जब मर्जी आधी रात जाके उठा लें। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ये ही सभी से, पूरी काशीपुर की जनता से एक वो अपील करना चाहूंगा कि आपका एक एक वोट उन परिवारों की जिंदगी लिखेगा जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है।
ये धनवन वाले आज हैं, ये बेटा आपके सामने है, ये लड़ाई सभी वर्ग की सभी लोगों की है। बस मैं कहता हूँ 20 साल में इन्होंने काशीपुर को क्या दिया सबको बताया, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि 2 साल में जो हर एक परिवार ने आंसू बहाए हैं उन आंसुओं का बदला जरूर ले लेना और एक बार जरूर पूछ लेना। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर गगन कांबोज से बेहतर इनमें से कोई प्रत्याशी है तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ गगन कांबोज को वोट मत देना। चुनाव को देखते हुए लक्सर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 20 लीटर कच्ची शराब के साथ 250 लीटर लहन को भी मौके पर नष्ट कर दिया है और इसी के साथ शातिर अभियुक्तों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा से बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रजवाल ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं तो हर पार्टी के प्रत्याशी ने अपने अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय जनता से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसी के चलते बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रजवाल ने लोगों से जनसंपर्क किया है। इस बार झबरेड़ा विधानसभा में परिवर्तन की लहर है, ऐसा बयान भी दिया गया है। आज मैं झबरेड़ा विधानसभा के सबसे बड़े गांव भक्तोवाड़ी में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहा हूं और भक्तोवाड़ी का सर्व समाज का पूर्ण समर्थन बहुजन समाज पार्टी के साथ है और मैं पूरी विधानसभा का भ्रमण कर चुका हूं। पूरी विधानसभा में आज बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग जुड़ने को तैयार है और भारी संख्या में समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अन्य दल आज परेशान है और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और इस बार इस विधानसभा रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजपाल सिंह के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। भाजपा पार्टी ने राजपाल सिंह को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। इस दौरान चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा का हर कार्यकर्ता राजपाल सिंह जी के साथ खड़ा है और भाजपा प्रत्याशी राजपाल सिंह बहुमत से विधानसभा जीतेंगे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी राजपाल सिंह ने पार्टी के साथ चौधरी कुलबीर सिंह, चेयरमैन मानवेंद्र सिंह और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। जिस तरह की लहर भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में है, जो एक 60 पार का एक नारा भी है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से हम लोग सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है जिस तरह से उनके दिल में कमल का फूल बसा हुआ है तो निश्चित रूप से हम इस विधानसभा झबरेड़ा में जितना काम करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी 12 साल की मेहनत है तो उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिल रहा है। लोगों की सहानुभूति मिल रही है, लोगों का प्यार स्नेह और मुझे सम्मान मिल रहा है। देखिए, राज्यपाल जी का भाजपा परिवार में स्वागत हम कर चुके हैं और भाजपा परिवार में एक रीति नीति रही है, जब हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला ले लेता है तो उसके बाद उस पर पूर्ण विराम लग जाता है। तो अब ये बात करना कि वो आए हैं या नहीं, अब तो वो आ चुके हैं और हमारे प्रत्याशी हैं, तो अब तो वो हमारे परिवार का अंग है और हम लोग सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं और हम दोबारा 2022 में कमल खिलने जा रहा है झबरेड़ा में और हम भारी मतों से जीत करके विजय प्राप्त। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।